सो गाइस, क्या आपको पता है कि ये यूनिक इंडियन रिवर किसी माउंटेन या ग्लेशियर से नहीं बल्कि जंगलों से निकलती है? जी हाँ, अमरकंटक के जंगलों से। माँ नर्मदा पूरे मध्य भारत की लाइफलाइन है और इसीलिए इसे मैया बुलाया जाता है। तो चलिए माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू करते हैं। नर्मदे हर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू एक्सप्लोरर्स। और अभी मैं आया हूँ तिलकवाड़ा में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो वो नर्मदा नदी का ब्रिज है जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ। और मैं आज यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा के लिए आया हूँ। वैसे तो आज इस साल का लास्ट डे है नर्मदा परिक्रमा का। जब तक आप मेरा वीडियो देखोगे तब तक इस साल की परिक्रमा ख़त्म हो चुकी होगी। तो आप मेरा वीडियो देख के नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। और आप बने रहिए हमारे वीडियो में क्योंकि कुछ मिस नहीं होना चाहिए। पूरा चैत्र महीना नर्मदा परिक्रमा चालू रहती है। और कौन सा रूट है, कहाँ से जाना है और आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो वो मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, ये तिलकवाड़ा गाँव के अंदर तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक छोटा सा पार्किंग है, तो आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हो व्हीकल्स वगैरह। और यहाँ पे एक आश्रम है, ये वसुदेव कुटीर करके, यहाँ पे एक रेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो और यहाँ से आप परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। नर्मदा, जिसे हम माँ रेवा के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया में स्नान से और नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। सो गाइज, ये देखिए व्यू, क्योंकि रात को हम लोग जब रिटर्न आएंगे तो रात के 12 बज चुके होंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। ये रिटर्न रूट है, ये छोटा सा ब्रिज दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है। हमने हमारी परिक्रमा 7 बजे स्टार्ट की है शाम को, अब देखते हैं रिटर्न कितने बजे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक पार्किंग है, आप यहाँ भी पार्क कर सकते हो। और हर जगह छोटे छोटे कैंप्स लगे हुए हैं, आपको रेस्ट करना है, आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना है तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइस, आपके मन में एक डाउट होगा कि नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती है फिर भी उसे उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा क्यों कहते हैं। ये डाउट मेरे मन में भी था जब तक मैं परिक्रमा पे नहीं गया था। बट मैं आपको बता दूं कि नर्मदा रामपुरा से तिलकवाड़ा, जो कि हमारे गुजरात में आया हुआ है, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का फ्लो है, उस जगह पे अपनी फ्लो ऑफ डायरेक्शन चेंज करती है और वो उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो इसीलिए इस परिक्रमा को उत्तर वाहिनी परिक्रमा कहा जाता है। वैसे तो नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा 3500 किलोमीटर की है, जो कि अमरकंटक से निकलकर भरूच में एंड होती है जहां वो अरब सागर में मिलती है। तो परिक्रमा आप कहीं से भी स्टार्ट करो, परिक्रमा का एंड उसी पॉइंट पे होना चाहिए पूरा घूम के, तभी जाके नर्मदा की पूरी परिक्रमा एंड होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने सिर्फ उत्तर वाहिनी परिक्रमा भी कंप्लीट कर ली है तो भी आपको पूरी परिक्रमा का पुण्य मिलता है। और वो उत्तर वाहिनी परिक्रमा सिर्फ चैत्र माह में होती है और आपको उसी महीने में परिक्रमा पूर्ण करनी होती है। एंड गाइस, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर जैसा चल चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक नंदी जी बनाए हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 51,000 किलो वजन के पीतल के नंदी जी है ये। वाओ यार, नाइस। गाइस, रिस्पेक्ट है यार लोगों की। पूरे रास्ते में आपको ऐसे सेवा करने वाले लोग मिल जाएंगे, फ्री में खाना, फ्री में पानी। ये देखिए पूरे एक महीने तक चलती है परिक्रमा, एक महीने तक ये लोग स्टॉल लगा के सबको सेवा देते हैं यहाँ पे। ये सेवा करने वाले रात दिन यहाँ पे सेवा देते रहते हैं। अभी तक सीधा रास्ता था और अब यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, शायद उतर के नदी की तरफ जाना है। दैट्स इट, सीधा रास्ता ख़त्म। अभी ये सीढ़ियाँ उतर के हम आए और अब यहाँ से पूरा नदी में चलना है। ये देखिए, ये पास में नदी है,
गाइस अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर जैसा चल लिया है और अभी यहाँ पे कुछ गन्ने का जूस वगैरह पी रहे हैं हम लोग बैठ के। बहुत ही अच्छा माहौल है, अब देख सकते हो लोगों की भीड़, और जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे यज्ञ चल रहा है तो आप यज्ञ में आहुति भी दे सकते हो यहाँ पे, बट धोती पहनना पड़ेगा आपको कंपलसरी। एंड फाइनली आधा रास्ता काट चुके हैं हम, अभी यहाँ से बोट लेके हम लोग सामने के किनारे जाएंगे और बाकी की आधी परिक्रमा हम लोग सामने के रास्ते से करेंगे। यहाँ पे बोट के 20 रुपीस पर पर्सन चार्ज लेंगे आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाने के लिए। और ये दूसरे किनारे पे एक और ब्यूटीफुल सा महादेव जी का मंदिर है और बड़ा सा आश्रम है यहाँ पे भी, और कुछ लोग यहाँ से भी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और वापस यहीं पे आके उसको एंड करते हैं। अब बंगला ना माद नारा जे प्रभु काया ना घर नारा प्रभु केवा मारा भाई बाड़ोती बंगलो कोने। पाप तारो रे पर खाओ जाड़े जा धर्म तारो भाड़ रे अदना वड़ी ने डूबवा नहीं रे दो जाड़े जा यम तोरल प्रभु कैसे। एक और रेस्ट पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे रामकृष्ण सेवा आश्रम का, हर जगह पे हर 500 मीटर पे या हर 1 किलोमीटर पे आपको रेस्ट पॉइंट मिल जाएगा, पानी वगैरह भी मिल जाएगा। और अभी हम पहुँचे मांगरोल गांव में, ये देखिए यहाँ पे भी रात के 11 बजे तक सब व्यवस्था है। एक और ब्यूटीफुल सा मंदिर है और एक और कैंप लगा हुआ है जहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह मिल रहा है। और ये फिर से हम लोग आ गए हैं नदी में, और ये लास्ट कैंप है। पर हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज़, नर्मदा में बहुत सारे मगर हैं तो परिक्रमा के दौरान प्लीज़ नदी में ना उतरे। एंड गाइस फाइनली हम लोग हमारी मंजिल के करीब पहुँचते हुए, ये जो लाइट्स दिख रही है यहीं पे हमारी गाड़ी पार्क है और शायद 1 किलोमीटर जैसा दिख रहा है अभी। और एंड गाइज अभी 21,700 स्टेप्स हो चुके हैं ऑलरेडी, मेरे 4,000 स्टेप्स थे और देख के लग रहा है कि और शायद 2,000 स्टेप्स होंगे, तो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको जाके कि कितना किलोमीटर हो रहा है। एंड ये ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं अभी परिक्रमा ख़त्म करके। अब यहाँ से एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के थ्रू हमको जाना है इधर, छोटा सा ब्रिज है तो सिंगल लाइन में जाना पड़ेगा अभी यहाँ से, और आर्टिफिशियल ब्रिज है स्पेशल परिक्रमा के लिए बनाया गया है ये।
फाइनली थोड़ा सा पानी में जाने का चांस मिला। ये थी हमारी परिक्रमा, एग्जैक्ट 17 किलोमीटर हुआ। और अभी ये जो स्टेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, वहाँ से डायरेक्टली हम लोग घर चले जाएंगे। और ये देखिए पूरा परिक्रमा पथ दिख रहा है यहाँ से, जहाँ से हम लोग आए अभी। सो गाइस, मज़ा आया बहुत ज़्यादा और एंजॉय भी किया, बट थक भी उतना गए। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर बाइक ड्राइव करना है, आई डोंट नो कैसे होगा बट देखते हैं। और परिक्रमा एक बार ज़रूर करना चाहिए आपको। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।